हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तफ़ीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ के कॉमेडी 152 HBL PSL 8 लाइव अपडेट टेस्ट मैचेस ऑफ डेडिकेट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बहुत कुछ हो गया है दुनिया के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही यार किस बारे में बात करूं। ये टेस्ट मैचेस के बारे में बात करूं जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने फॉलो ऑन के बाद जो है वो एक रन से मैच जीत लिया इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर पीएसएल में जितना कुछ हो गया उसके बारे में बात करूं। खैर शुरू करते हैं जो पीएसएल में हो रहा है उससे, और हाईलाइट ये है कि यार मेरे ख्याल में ये पिछले सीजन तो ये जीते भी थे लाहौर के अंदर वाले, उससे पहले जितने भी जो ये 6-7 सीजन में इनके साथ जो कुछ हुआ है ना उसका सारा गुस्सा अब ये निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है अगले 5-6 सीजन जो है ना इसी तरह ये रहेंगे, क्योंकि यार को हद होती है। एक तो इनकी है तेज गति, ऊपर से इतना तेज एटीट्यूड भी दिखाना शुरू हो गया यार, ये कर क्या रहे हैं ये बाकी टीम्स के साथ। हमें लग रहा था कि ये फास्ट बॉलिंग की वजह से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तगड़ा मार रहे हैं भाई, बैटिंग के अंदर भी कोई टक्कर नहीं, हद मुकाई भी है, मतलब मार रहे हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को इन्होंने कोई मेरे ख्याल में 200 रन बनाए तो पहले बैटिंग, उसके बाद 90 के ऊपर आउट किया हुआ, 110 रन से हरा दिए, मतलब आपने थप्पड़ भी मारने हैं और रोने भी नहीं देना। ऊपर से इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो भी मासूम किसी बिन पानी के मस्त मछली की तरह झूमती हुई दिखी। आजम खान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें कि आजम खान कोई ना कुछ जरूर कर लेंगे, लेकिन जैसा कि होता है कि जब भी हम किसी प्लेयर से उम्मीदें रखना शुरू हो जाते हैं तो हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देते हैं, ऐसे भी आजम खान का लगता है कि हमने जितना भी पेट्रोल था जो भी डीजल था वो पहले ही मैच के अंदर, पिछला जो मैच था जिसके अंदर 100 मारा था उसी के अंदर निकाल दिया था, तो अब यार कहां से कहां पहुंच गई है, अब हर मैच में तो टैंक फुल नहीं हो सकता ना। दूसरी तरफ आसिफ अली जो है के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि उनकी जो इनिंग्स थी वो थी तो बड़ी अच्छी, रन्स तो उन्होंने बड़े बनाए हुए थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था गंदी टाइमिंग का। उनकी शुरू में शॉट्स थी वो इतनी गंदी टाइम हो रही थी कि बॉल जो है वो फील्डर तक जा ही नहीं रही थी कैच वाली बॉल। इस दफा उनकी टाइमिंग बहुत बेहतर हुई थी इसलिए वो फौरन ही आउट हो गए, फौरन कैच हो गए। लेकिन भाई किसी ने कमबैक किया ना तो वो किया राशिद खान ने, जो पिशावर वाला मैच था उसके अंदर उन्होंने इतनी कुट खाई थी कि उनका जो जेट लैग है ना वो वापस आ गया, तो सारा का सारा जेट लैग जो है वो गुस्से समेत उन्होंने उठा के फेंक इस्लामाबाद वालों के ऊपर। हिस्ट्री की सबसे ज्यादा उन्होंने कुट खाई थी पिछले मैच में, और इस मैच के अंदर आप जरा इनके ये आंकड़े देखें जिसके ऊपर इन्होंने बॉलिंग कराई। सिकंदर रजा ने भी सही वक्त के ऊपर आके अपनी फॉर्म वापस पकड़ ली है, और लाहौर के बहुत से जो लोग हैं वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक अंडरपास बना दिया जाए इनके नाम के ऊपर। ये पोस्ट है जो कि सिकंदर रजा ने खुद भी शेयर कर दी क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। भाई इससे ज्यादा और वो क्या इशारे दे सकते हैं, हमारी भी जो देखो लड़की की खामोशी का मतलब होता है हां, उसी तरह अगर रीट्वीट कर दिया गया तो इसका मतलब है कि भाई बना दो इनके नाम के कोई अंडरपास। दूसरे डेविड वीजे जो है उनकी भी फॉर्म बड़े ही वक्त के ऊपर वापस आ चुकी है, और मैंने ये भी सुना है कि लाहौर कलंदर्स वाले जो इनको एक प्लॉट भी गिफ्ट कर दिया है। वेरी गुड यार, हमारे यहाँ पे तो वैसे भी सिर्फ सिर्फ प्रॉपर्टी का ही काम होता है, लेकिन चलो जो भी हो मेरे ख्याल के वो यहाँ पर घर बना सकते हैं इस पासपोर्ट के साथ। अगर कोई बायर है तो उनको मैं बता दूं कि डेविड वीसे साहब जो हैं वो अपना प्लॉट बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि खबर मेरी तरफ से गई है इसलिए वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स वाला कमीशन होता ना वो मेरा ही होना चाहिए। खैर बाकी सब छोड़ो यार, जो सबसे बड़ी खुशी है ना वो ये है कि शाहीन आफरीदी का वो जो पहला ओवर होता है ना वो वापस आना शुरू हो गया। सांप की तरह घूमती हुई बॉलें आ रही है यार, ये जो भी इस्लामाबाद के साथ भी मैच था ना इसके अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा बॉल घूम रही थी कि बॉल जो है वो वाइड के चौके उनको पड़ते रहे, इसलिए स्कोर तो ज्यादा हो गया था, लेकिन बैटर्स को कुछ पता नहीं था कि बॉल कहां से आई है कहां से गई है। इनसाइड एजेस भी हुई है, ऑफ स्टंप भी जो है वो कोई आधे आधे इंच से बच के निकली, बोल्ड भी नहीं हुए, और उसके बाद एक तो बल्कि उनकी जो आउटसाइड एज हुई थी वो इतनी ऊपर गई थी वो किसी ने भी नहीं पकड़ी, बल्कि वहां पे जो रूफी साहब थे वो खुली आंखों के साथ सोए हुए थे, वो इतना भी रिएक्ट नहीं कर सके कि कम से कम बॉल को जो है वो पकड़ के ही छोड़ देते ताकि ड्रॉप में तो आता, लेकिन वो बाकी ही ड्रॉप था क्योंकि वो सोए हुए थे, वो कैच जाना था अगर कोई और फील्डर खड़े हुए थे। खैर ये सारा का सारा गुस्सा जो लाहौर ने वो इस्लामाबाद के ऊपर ही नहीं निकाला है, उन्होंने निकाला है पिशावर के ऊपर। चाय में डूबे बिस्किट की तरह ने पहले तो इनके बैट तोड़े, उसके बाद इनकी विकेटें भी तोड़ी हैं, मतलब ये जो बेचारा हारिस है वो भी परेशान हो रहा था यार। देखो अगर आप बैटिंग कर रहे हो और बॉल उसको बैट को लगे आपने अपनी तरफ से बड़ी जबरदस्त टाइम की और वो दो टुकड़े हो, तो कहीं ना कहीं तो आप सोचते हैं ना कि यार ये बॉल अगर कहीं मेरे सर पे लग गई या थोड़ी पीछे करके टांग पे भी लग गई तो मेरी तो हालत खराब है। यही हुआ अगली बॉल पे मासूम जो है आउट होकर चला गया, उसने कहा यार ये देखो ना ये गेमें शेमे होती रहती है लेकिन पहले जान है तो फिर जहान है। दूसरा उन्होंने इस किस्म का कोई बयान भी दिया था एहसानुल्लाह के बारे में कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि उसने मुझे बॉलिंग नहीं कराई थी उसके फिगर्स अच्छे हैं, तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। मुझे पूरे यकीन है कि उसने पहले ही मजाक किया था, लेकिन जो भी वो सॉफ्टवेयर बड़े अपडेट हो रहे हैं, जो सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर अपडेट किए ना मेरे दोस्त बाबर का शाहीन, खूबसूरत बॉलिंग कराई है यार, एक तो ना मतलब बीच में से काट के जिसको कहते हैं ना बैट्समैन को उन्होंने बोल्ड किया, ये पेंडिक्स के ऊपर रगड़ती हुई बॉल गई है और सीधी विकेटों में लगी। पेंडिक्स क्या, जो गुर्दे में पथरी होती वो भी नीचे गिर गई थी, बिल्कुल मामूली से टच हुई है बॉल और सीधी विकेटों के अंदर, बिल्कुल बैट्समैन मतलब बाबर की आंखें बंद हो चुकी थी, उसको समझ आ गई थी कि मैं पूरी तरह से बीट हो चुका हूं। खैर बॉटम लाइन ये है कि लाहौर पूरी तरह से फॉर्म के अंदर और सबसे बड़ी फॉर्म के अंदर जो आए वो है फखर जमान, कैचेस भी पकड़ रहा है और जो उसने इनिंग्स खेली थी ना 96 रन की इस मैच के अंदर, जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ, जो शॉट खेलते हुए वो आउट हुआ है, इसका मतलब था कि वो बिल्कुल ही सेल्फलेस किस्म की शॉट थी, आराम से सिंगल विंगल भी ले सकता था, लेकिन बॉय ने अपनी टीम के लिए खेला और शॉट खेली, कैच आउट हो गया और चला गया, यार क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बैलेंस आया है ना लाहौर की टीम के अंदर, वो सबसे बड़ा जो उसके पीछे प्लेयर है वो है अब्दुल्ला शफीक, जो कि ऊपर से आके इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेल के जा रहा है, इतने अच्छे पावर प्ले के स्कोर बना के दे रहा है लाहौर कलंदर्स को, जिसको वो फिर मेंटेन भी कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में पहले दो तीन मैचेस के अंदर इसलिए नहीं था क्योंकि शायद बीमार था, आई डोंट नो, जो भी था पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी विनिंग कॉम्बिनेशन था, आई एम ग्लैड कि वो वापस आ चुका है और वो अपनी पूरी की पूरी वर्थ साबित कर भी रहा है। अब्दुल्ला शफीक जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो इस मुल्क का फ्यूचर हैं और ऐसे लोगों के ऊपर टस तो मस्ट है। कराची और मुल्तान के भी मैच हुए और कराची वाले भी गुस्से में आ चुके हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी उन्होंने सिर्फ कराची वालों ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग टीम्स को ही हराना होता है, मुल्तान टॉप पे जा रही थी और लाहौर टॉप पे जा रही थी, उन्हीं दो को उन्होंने हराया अभी और वापस गेम में आ भी चुके हैं। दूसरी तरफ इमाद जो है उसने अपनी पोनी भी कटवा दी है और मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर भी जो चूके अब टीम में नहीं है, तो वो जो एक काली नजर लगी हुई थी इस टीम को वो भी मेरे ख्याल में उसका भी काट होना शुरू हो चुका है। यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा मुल्तान के बारे में भी, जो कि अब नहायत ही कमजोर लगना शुरू हो गया अचानक ही, इतनी बैलेंस्ड और इतनी बेहतरीन किस्म की टीम थी, उन्होंने भी पीक के ऊपर आके जो है ना वो डाउनफॉल पकड़ा है, बॉलिंग बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक एहसान उल्लाह वो भी जो है वो यंगस्टर ही है, उसने आके कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, अदरवाइज तो बहुत ही वीक टीम लगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि धानी भी जो है वो भी इंजर हो गया था इनका, तो अब बॉलिंग यूनिट बहुत ही कमजोर लग रहा है। खैर जो मैच हुआ था इनका उसके अंदर तकरीबन 8 विकेट स्पिनर्स ली थी, यही कराची के अंदर होता है जब बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे थे तो वहां की पिच जो है वो इसी तरह हो जाती है, तो अच्छा है कि अब मैचेस दूसरी सिटीज के अंदर भी मूव हुए हैं, वरना वहां पर जरा बस स्पिनर्स की ही गेम हो जानी थी। दूसरा नया प्लेयर जो है तैयब इनकी टीम के अंदर आया, जो कि डोमेस्टिक के अंदर भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करता रहा है, तो उसकी टीम में आने की वजह से बहुत ही सॉलिड लगना शुरू होगी कराची की बैटिंग लाइनअप। तबरेज शमसी ने भी जो है वो आउट करना शुरू कर दिए और आउट करने के बाद अपनी एक्स न्यूजीलैंड और जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि इससे पहले न्यूजीलैंड फॉलो ऑन कर रहा था, मतलब 200 से ज्यादा रन की लीड थी किसी टीम की, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग ही वापस आओ और आके बैटिंग करो और फिर भी उन्होंने लीड इनको लेके दी और फिर जीत भी गए, वो भी एक ही रन से जीते हैं यार, मतलब चलो क्रेडिट तो है न्यूजीलैंड की टीम को लेकिन क्रेडिट इंग्लैंड की टीम को भी देना चाहिए, ये जिस किस्म के भी टेस्ट मैच इस वक्त खेल रहे हैं ना उसकी वजह से टेस्ट मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, हर मैच के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट ये जरूर लेके आते हैं चाहे ये जीते या हारे, लेकिन इनका एम यही होता है कि भाई रिजल्ट लेके आना। और बेन स्टोक्स ने मेरा ख्याल में बयान भी यही दिया है कि जो भी लोग आए उनके कम से कम पैसा वसूल तो हो चुका है, बिल्कुल पैसे वसूल हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के टेस्ट मैच हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार ये लोग इतना अच्छा टेस्ट खेल तो रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो ये कहीं पॉइंट्स टेबल के ऊपर करीब भी नहीं आ रहे बेचारे खेलने के लिए। मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ही चांसेस हैं कि वो फाइनल खेलेंगे और वो होगा भी इंग्लैंड में ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसका सिर्फ एक मैच नहीं होगा, कम से कम 3 मैचेस की सीरीज तो करेंगे ये। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, पिछले वाला जो था वो भी ऑस्ट्रेलिया हार गया था, मुझे नहीं लगता कि ये वाला टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये तो पूरी की पूरी सीरीज जो है ना वो जडेजा और अश्विन के ही नाम है, उन्होंने इनको पकड़ पकड़ के लताड़ के मार के जो है बाहर फेंक देना है, और मेरा ख्याल में कि बहुत ज्यादा इनको मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये लोग गुस्से में आ गए तो इन्होंने वो वाला टेस्ट जीत जाना है जो मैटर करता है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। खैर भाई आज के एपिसोड के अंदर इतना ही है। तो पीएसएल बहुत तगड़ा चल रहा है, जो टीमें कमजोर नजर आ रही थी वो उभर कर सामने आ रही है और जो कम तगड़ी नजर आ रही थी वो नीचे जाना शुरू हो गई है, यही तो इसी को तो कहते हैं भाई पीएसएल। तो पीएसएल में बहुत तगड़ा रोमांच आ गया है क्योंकि कराची जो बहुत गंदी चल रही थी, बॉलिंग के ऊपर चल रही थी, बैटिंग नहीं चल रही थी उनकी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो बैटिंग में दमखम दिखाना स्टार्ट कर दिया, ऊपर से बॉलिंग भी अच्छी हो गई उनकी, तो ऐसा ही कुछ लाहौर के साथ था। लाहौर की बॉलिंग हमेशा से तगड़ी थी, शुरू से ही तगड़ी थी, बढ़िया कर रहे थे लेकिन बैटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन अब कुछ चेंजेस आ गए हैं, बैटिंग बहुत तगड़ी हो गई है, स्कोर बना लेते हैं, बनाने नहीं देते किसी को भी। शाहीन की क्या ही बात करो,
अच्छे अच्छे बैट्समैन को पहले ओवर में चटकाने का वो दमखम रखते हैं, बल्ला भी तोड़ने लगे हैं भाई अब तो ऐसा कमबैक, इतना तगड़ा कमबैक पाकिस्तान के लिए, जाहिर सी बात है बहुत तगड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान आने वाली और सीरीज़ में पीएसएल के अलावा जो मैचेस होंगे या फिर कुछ और इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो उसमें शाहीन का ये इन्फॉर्म होना बहुत तगड़ी बात है। और बहुत नए नए सितारे मिल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने तैयब शमसी की बात करी थी तो एक वो बंदा आया है, एक और बैट्समैन आया है, तो ये कराची की तरफ से दो शायद नए लड़के आ गए हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई है उनकी और ज़्यादा। लाहौर में भी ऐसा ही सीन चल रहा है, जो न्यू कमर हैं, नए लड़के, नए नाम सुनने में आ रहे हैं, वो भी तगड़े खेल रहे हैं। और फ़खर जमान की बात करें तो वो भी बहुत तगड़ी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं, तो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग लाइनअप आपका कमज़ोर हो, सिर्फ बॉलिंग पर जीत लोगे, 150 रन बना रहे हो आप, 100 के अंदर 100 के आसपास रन बना रहे हो, तो यार बॉलिंग कहाँ तक रोक लेगी? आप 150 डिफेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई तभी होता है जब आपको लगता है कि T20 के हिसाब से ये स्कोर बढ़िया है, हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, 150 प्लस जाते हैं अगर तो बहुत तगड़ी बॉलिंग है, तब उनको भी कॉन्फिडेंस रहता है यार हम डिफेंड कर लेंगे। बाकी इंटरनेशनली बहुत कुछ चल रहा है, पीएसएल का ही बात करूंगा मैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पीएसएल में बहुत रोमांच आ रहा है। और पेशावर जलमी की बहुत अच्छी टीम चल रही थी, वो डाउन हो गई है भाई, उनकी बैटिंग बिल्कुल ही ख़राब सी लगने लगी है, कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि कभी भी मैचेस पलट सकते हैं। आप अब आकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी टीम को कमज़ोर नहीं समझ सकते, कमज़ोर लग रही है लेकिन जो स्ट्रांग थी वो भी कमज़ोर हो गई है। जैसे मुल्तान सुल्तान भाई वो टॉप पर चल रही थी, तो वो भी उसका भी हाल ऐसी कुछ हो गया है। क्या कहते हो कुछ उलटफेर होगा, नए लड़के आकर कुछ गेम पलट सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।